नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सच का। उपचुनाव का अंतिम प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। वहीं समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जब रोड शो करने के लिए निकले, वहां की जनता ने पहले उनका तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो की शुरुआत हर्रा की चुंगी से कलेक्ट्रेट तक होना थी। वहीं जब रोड शो की शुरुआत हुई, रोड शो में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी व ओम प्रकाश राजभर विधायक, जिस तरीके से गठबंधन के यह प्रत्याशी हैं लोकसभा उपचुनाव के, वहीं पर जब उन्होंने पीला गमछा डालकर लोगों से वोट मांगे और रोड शो में निकले तो देखने लायक थी। जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है आप लोगों को, इतनी जबरदस्त भीड़ आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी सड़कों पर भीड़, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाती हुई और प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व अन्य कार्यकर्ताओं ने सारी ताकत झोंक दी। अब 23 तारीख को वोटिंग होनी है और इन प्रत्याशियों की किस्मत 23 तारीख को बंद हो जाएगी। जिस तरीके से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिल्म अभिनेता निरहुआ यानी कि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ मैदान में हैं। अब जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के रोड शो में आज भीड़ देखने को मिली और विपक्ष के निश्चित तौर पर होश उड़ गए हैं और सत्ता में बैठे मंत्री विधायक सकते में आ गए हैं। इतनी भीड़, अगर यह भीड़ वोटों में तब्दील होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अपनी यह सीट बचा पाने में कायम रह होगी। इस मौके पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनता से क्या कहा, यह भी सुनाते हैं हम आपको।